नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। यूपी में सपा बसपा गठबंधन का हुआ ऐलान। अखिलेश और मायावती ने होटल ताज में की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी और एसपी। सपा बसपा गठबंधन को लेकर बीजेपी की पैनी निगाहें। सियासी समीकरणों पर हो रहा मंथन। यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ जल्द बैठक कर सकते हैं मोदी और शाह। कानपुर के कल्याणपुर में शॉपिंग मॉल में लाखों की चोरी। शटर काट कर माल उड़ा ले गए चोर। व्यापारियों में घटना को लेकर रोष। कानपुर के उर्सला अस्पताल में एआरवी इंजेक्शन का टोटा। एक महीने से अस्पताल में नहीं है इंजेक्शन। रोजाना मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मायावती ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 38 पर बसपा और 38 पर सपा लड़ेंगी। इसके साथ ही दो सीटें पार्टियों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली की दो सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने यूपी में जातिवादी सरकार बनाकर रख दिया है। इस मौके पर मायावती ने कहा कि 25 साल बाद सपा और बसपा का गठबंधन बना है और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी और अमित शाह की नींद उड़ाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से त्रस्त आ गई है, इसलिए हमने गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसे किसी भी कीमत पर बीजेपी को केंद्र या राज्य की सत्ता पर आने से रोका जा सके। मायावती ने कहा कि हमने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी को हम जैसी पार्टियों से अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन हम जैसी पार्टियों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा वोट प्रतिशत कम हो जाता है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी से अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तो हम हटेंगे और बीजेपी को कड़ा जवाब देंगे। आदरणीय मायावती का सम्मान मेरा सम्मान है और अगर कोई भी मायावती जी का अपमान करता है तो वो मेरा अपमान होगा। हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। बीजेपी के हर षड्यंत्र को बेकार करना है। और इधर रालोद प्रमुख अजीत सिंह के मथुरा रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, योगी और स्मृति ईरानी पर अभद्र टिप्पणी का नमो सेना इंडिया ने जमकर विरोध किया। संगठन के लोगों ने नारेबाजी कर अजीत सिंह का पुतला फूंका। संगठन ने कड़े शब्दों में अजीत सिंह से अपने बयान पर माफी की मांग की और साथ ही माफी न मांगने पर चेतावनी भी दी। पुतला फूंक रहा है, फूंका है हम लोगों ने। चौधरी अजीत सिंह ने कल कोसी कला मथुरा रैली में माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी जी पर, श्रीमती स्मृति ईरानी पे अभद्र टिप्पणी की है। इसके विरोध में नमो सेना इंडिया का कार्यकर्ता उनका पुतला दहन किया है। आने वाले समय में चौधरी अजीत सिंह अगर कानपुर महानगर की धरती पर नमो सेना इंडिया का कार्यकर्ता घुसने नहीं देगा, अगर वो कानपुर आते हैं तो नमो सेना इंडिया कानपुर महानगर का कार्यकर्ता उनका मुंह काला करेगा, क्या कहते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए फतेहपुर जिले में भी उचित इंतजाम किए गए हैं। जिले में प्रयागराज कानपुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कई जगह यात्रियों को रुकने के लिए कई जगहों पर रैन बसेरा बनाया गया है। इन रैन बसेरों में रुकने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही कुंभ में लगने वाले 6 प्रमुख स्नान पर्वों पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की जाएगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन स्नान पर्व को देखते हुए जिले में कल 12 बजे से रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया जाएगा, जिसके लिए कानपुर से वाराणसी और बिहार जाने वाले वाहनों को फतेहपुर से रायबरेली की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जहां वो प्रतापगढ़ जौनपुर होते हुए आगे का रास्ता तय कर सकेंगे। इसी तरह से वाराणसी और बिहार से कानपुर आने वाली भारी वाहनों को भी इसी रास्ते से होकर आ सकेंगे और इसी तरह कानपुर से मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाले बड़े वाहनों को जिले की बिंदकी तहसील के चौडगरा कस्बे से बांदा की तरफ मोड़ दिया जाएगा, जिससे कानपुर की तरफ से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को
कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े। ये व्यवस्था 21 जनवरी को पौष पूर्णिमा और 4 फरवरी को मौनी अमावस्या और 10 फरवरी को बसंत पंचमी और 19 फरवरी को माघी पूर्णिमा और उसके साथ ही 4 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन भी लागू रहेगी। इसके अलावा प्रयागराज और कानपुर के बीच बड़े वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जिले के अधिकारियों का कहना है कि वाहन चालकों को रूट डायवर्जन के चलते असुविधा न हो, इसके लिए हाईवे पर तैनात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उन्नीस के दृष्टिगत आगामी मकर संक्रांति को के पर्व पर हमने फतेहपुर जनपद में जो भारी वाहन है उन भारी वाहनों को 12 तारीख को दोपहर 12 बजे से डाइवर्ट करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें डाइवर्जन के 2 पॉइंट बनाए गए हैं। कानपुर से आने वाले वाहन जो कि रीमा मिर्जापुर की तरफ जाएंगे, उन वाहनों को चौडगरा से मोड़ दिया जाएगा और उनको बिंदकी ललौली होते हुए बांदा जनपद की तरफ निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही जो कानपुर से आने वाले वाहन वाराणसी की तरफ जाएंगे या बिहार की तरफ जाने वाले होंगे, उनको लखनऊ बाईपास पर यानी हुसैन ने लखनऊ बाईपास से डाइवर्ट करके रायबरेली तरफ निकाला जाएगा और रायबरेली से ये प्रतापगढ़ और मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर होते हुए वाराणसी की तरफ निकल जाएंगे। इस तरह से 2 हमारे डाइवर्जन पॉइंट है जहाँ पर बड़े बड़े भारी वाहनों को जो है हम यहाँ से डाइवर्ट करेंगे। फतेहपुर जनपद के कोतवाली बिंदकी कस्बे के कुंवरपुर रोड महिला डिग्री कॉलेज के पास तेज रफ्तार लोडर ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई रिक्शा पलट गया और उसमें सवार चालक समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 महिलाएं और 9 माह का बच्चा भी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच में जुटी हुई है। जो है वो पनाई से आ रहे थे और ये बस स्टॉप पे थोड़ा पीछे वो लोडर वाले ने टक्कर मार दिया था, बगली पीछे का मारा था तो उसी में कहीं पलट गया। कितने लोग घायल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 लोग घायल हैं, मुझको लेके 6 आदमी। सरकारी अस्पतालों में जहां दवाई और चिकित्सीय सुविधाओं का अंबार लगाने को लाख जतन किए जा रहे हैं, वहीं कानपुर के उर्सला अस्पताल में एआरवी इंजेक्शन का टोटा है, जिसकी वजह से रोजाना मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। और तो और मरीजों को जानकारी देने के लिए चैम्बर में भी कोई स्टाफ नजर नहीं आता, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरीब चौकी से आए मनोज कुमार ने बताया कि 2 बार अस्पताल इंजेक्शन लगवाने आ चुके हैं, पर ना तो इंजेक्शन लग पाता है और ना ही यहां कोई जानकारी देने के लिए नजर आता है, जिसकी वजह से कई इंजेक्शन बाहर से ही लगवाने पड़े, पर कीमत काफी ज्यादा होने की वजह से 5 इंजेक्शन लगवाना मुश्किल है। वहीं इस मामले में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ML विश्वकर्मा का कहना है कि हर हफ्ते रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं पर कंपनी की तरफ से सप्लाई नहीं हो रही है। लगवाने बंदर काटने का? अच्छा, कई बार आ चुकी? हाँ, 2 बार आए, 1 बार आए तो बंद था, अब भाई बंद है। नोटिस? हाँ, नोटिस पढ़ के चले जाते हैं। नोटिस पढ़ के कोई मिला यहाँ? नहीं मिला। अच्छा, कई बार 2 बार आ चुकी हैं इसके बावजूद? दोबारा आए हैं, 2 बार नहीं आ चुके, 1 बार आए थे तब नहीं मिला था, फिर आज आए हैं। आज फिर नहीं मिला? नहीं। किसी से बात हुई? कोई हमें मिलता नहीं तो इससे बात करें, यहाँ कोई बैठता ही नहीं, हमें नहीं मिलता, हम आए वापस जा रहे। बोर्ड परीक्षा नजदीक है, ऐसे समय में परीक्षार्थियों को अपना रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि बच्चों पर किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। दरअसल परीक्षा नजदीक आते ही कुछ बच्चों में भय भी व्याप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें उलझन, पसीना आना और पेट की समस्याएं उत्पन्न होती है। इस पर धैर्य के साथ समझाने की जरूरत है। जेएमडी न्यूज से मानसिक रोग विशेषज्ञ व क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने परीक्षार्थियों और अभिभावकों को कुछ टिप्स भी दिए। पर प्रेशर बिल्कुल मत डालें और बच्चों को हम एक सबसे मुख्य बात बताते हैं कि वो पढ़ाई नियमित करें,
ये नहीं कि आपने एक दिन पढ़ाई कर ली और फिर आप 15 दिन कोई पढ़ाई ना करें, तो उससे क्या होता है कि आपने एक दिन जो पढ़ा वो आप भूल जाते हैं, और फिर एग्ज़ाम के टाइम जब आप ये सोचते हैं कि हम एक महीने के अंदर सब पढ़ लेंगे, पढ़ के हम पेपर दे देंगे, साल भर आपने पढ़ाई नहीं की, तो फिर क्या करते हैं बच्चे लोग, घबराने लगते हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, एंग्जाइटी से उनकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उनको लूज मोशन होने लगते हैं, उनको घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है और कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, पता पड़ा जो पढ़ रहे हैं वो भी वो भूल जाते हैं घबराहट के पीछे। तो उनको हमारी सलाह है बच्चों को कि रेगुलर स्टडी करें, प्रतिदिन चाहे वो एक ही घंटा पढ़ें लेकिन पढ़ें डेली। परीक्षाओं को देखते हुए तो मतलब ये है कि उनके माँ बाप जो उनके गार्जियन हैं वो उनका पूरा सहयोग करें, उन पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं कि मतलब तुम्हें इतना लाना है, ऐसा करना है, इतने परसेंटेज तुम्हारे होने ही चाहिए। अगर बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की है तो वो अच्छा रिजल्ट करेगा ही करेगा, उसको मतलब उस पर अनावश्यक मतलब दबाव नहीं बनाना है किसी भी कीमत पे। अनावश्यक दबाव बनाएंगे तो वो तनाव में आएगा, हो सकता है जो वो कुछ कर भी सकता है वो तनाव की वजह से ना। झांसी के थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम रेवन में आधा दर्जन बदमाशों ने सोनी परिवार को निशाना बनाया और परिजनों के विरोध करने पर बदमाशों ने गोली से दो लोगों को घायल कर दिया और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। घायल पिता पुत्र को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, जहां नाराज ग्रामीणों ने मार्ग जाम कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। कानपुर देहात में रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में आशिक मिजाज सिरफिरे जीजा ने अपनी साली को गोली मार दी। दरअसल सिरफिरा जीजा अपनी साली से मोहब्बत कर बैठा और उससे शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसका साली ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। फिलहाल साली की हालत नाजुक है और अस्पताल में भर्ती है। हम आपको बता दें कि रसूलाबाद के नेहरू नगर के रहने वाले कल्लू की शादी 7 साल पहले रसूलाबाद की रहने वाली अशफा से हुई थी। कल्लू और आशिफा की 5 साल की बेटी है। आशिफा की छोटी बहन शबाना अक्सर अपनी बहन से मिलने घर आती थी। इस दरमियान सिरफिरे कल्लू की नजर अपनी साली शबाना पर पड़ गई और सिरफिरा जीजा एक तरफा साली से प्यार करने लगा और साली पर शादी का दबाव बनाने लगा, जिसका विरोध करने पर उसे गोली मार दी। वहीं पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। कल्लू नाम का जो है जो व्यक्ति है, कल्लू खां पुत्र मुकीम आरो गोविंद प्रवाह उम्र 25 वर्ष थाना दिव्यापुर जनपद औरैया का रहने वाला है। पीड़िता और अभियुक्त की सगी साली है। अभियुक्त पीड़िता सवाना से शादी का दबाव बनाता था। सवाना द्वारा शादी से इनकार कर देने पर अभियुक्त कल्लू खां द्वारा गोली मारी गई। रुके एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप।
समाज के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। वो कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल, बड़ा से बड़ा अपराध करें हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ JMD न्यूज पर, डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। आप देख रहे हैं JMD न्यूज, आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. But truth is the currency of news, bringing out the authentic and unbiased highlights from the corridors of politics and administration. Vigilant Eye on crime and corruption 24/7. Precise coverage on cultural, business and sports happening throughout the week. Film, fashion, food and more. Only on News and Views. Namaskar, namaskar. के बाद आप सभी का स्वागत है और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां चौबेपुर के जंगलों में बदमाशों के छुपे होने की सूचना मिली। चौबेपुर के जंगलों में बदमाशों के छुपे होने की सूचना, सूचना पर कई थानों का फोर्स बदमाशों की तलाश में जुटा। सर्दी शुरू होते ही सक्रिय हो जाता है बावरिया गैंग, ये कहना है ग्रामीणों का। चौबेपुर इलाके की एक घटना, जहां जंगलों में बदमाशों के छुपे होने की सूचना मिली है। आपको बता दें बड़ी खबर कानपुर से, सूचना पर कई थानों का फोर्स बदमाशों की तलाश में जुटा। ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी शुरू होते ही बावरिया गैंग सक्रिय हो जाता है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां चौबेपुर के जंगलों में बदमाशों के छुपे होने की सूचना। सूचना पर कई थानों का फोर्स बदमाशों की तलाश में जुटा। सर्दी शुरू होते ही बावरिया गैंग सक्रिय हो जाता है, ये कहना है ग्रामीणों का। और इसी सूचना पर कई थानों का फोर्स बदमाशों की तलाश में जुट गया। बड़ी खबर कानपुर से।
और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जानना चाहूंगी जिस तरह से बदमाशों की सूचना आई है कि जंगलों में बदमाश छुपे हैं और बावरिया गिरोह बताया जा रहा है, ऐसे क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस खबर पर? यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि बावरिया गैंग के बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए छुपे हैं और जिसकी सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा, कई थानों पर फोर्स मौके पर पहुंचा, एसपी मौके पर पहुंचे और कंबिंग करने में जुटे हैं। आपको बता दें पूरे जंगलों की घेराबंदी करके पुलिस जो बदमाशों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल, लेकिन सूचना आ चुकी है कि बदमाश छुपे हैं और कभी भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने आ सकती है, क्या कुछ तैयारी दिख रही है पुलिस की इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए? जी आपको बता दें इस घटना में अभी किसी भी अधिकारी से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी की बात की जाए तो कई थानों का फोर्स है मौके पर और चारों तरफ से जंगलों को घेर रखा है और लगातार जो है हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस जो है जंगलों की खाक छान रही है। अब पुलिस को कितनी देर में कोई अधिकारी जवाब देता है या कितनी देर पुलिस को सफलता मिलती है ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। पुलिस का कहना है कि जैसे कोई सफलता पुलिस को जी, लेकिन अगर खतरे की बात की जाए तो कितने बड़े खतरे के तौर पे इसे देखा जाएगा? बावरिया गैंग किस तरह का गैंग है, किस तरह की गतिविधियां इसकी रहती हैं, ग्रामीणों के लिए कितना बड़ा खतरा है इस वक्त? जी आपको बता दें ये बावरिया गिरोह जो है ये सर्दियों में ही गैंग सक्रिय रहता है और ये एक गर्म सर्दियों में सक्रिय रहते हैं और ये सर्दियों का फायदा उठाकर ये किसी एक गर्म जो है सदस्य को अपने कब्जे में करके वहां पर लूटपाट करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं और ये जो है उस जनपद को छोड़कर फिर चले जाते हैं और दोबारा से फिर जो अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत अपना काम करते हैं और ये सर्दियों में ही बावरिया गैंग सक्रिय रहता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पुलिस के लिए चुनौती बनकर सामने आ चुकी है सूचना बदमाशों के छुपे होने की, जिसे बावरिया गैंग के रूप में जाना जा रहा है। चौबेपुर के जंगलों में इनके छुपे होने की सूचना है और इसी सूचना पर कई थानों का फोर्स बदमाशों की तलाश में जुट चुका है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि सर्दियां शुरू होते ही ये गैंग सक्रिय हो जाता है, जिसे बावरिया गैंग से जाना जाता है और ये घटना चौबेपुर की। रुक करेंगे अगली खबर का। स्वामी विवेकानंद जिनकी आज जयंती है, आज पूरा देश स्वामी विवेकानंद की 156वीं जयंती मना रहा है। वो युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और यही कारण है कि उनके जन्मदिन को युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया था। अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद ने जो यादगार भाषण दिया, उसने दुनिया भर में भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया था। कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष पद पर कुल 4 प्रत्याशियों में टीकम चंद सेतिया 42 वोटों से विरोधियों को शिकस्त दी है। राज्यपाल और राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त सेठिया के जीतते ही समर्थकों में उल्लास की लहर दौड़ गई। जमकर नारेबाजी कर समर्थकों ने टीकम चंद का आत्मविश्वास बढ़ाया। वहीं नव निर्वाचित अध्यक्ष ने व्यापार हित में कई प्रयास करने का दावा किया। के सभी व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए विजयी बनाया। आज सरकार की व्यापारियों के प्रति जो सोच है वो संवेदनशील नहीं है, क्योंकि व्यापारी राष्ट्र निर्माण में निर्माता का कार्य करता है। मंदिर व्यापारी बनाता है, धर्मशाला व्यापारी बनाता है, स्कूल कॉलेज नदी कुएँ व्यापारी बनाता है और आज सरकार हमें व्यापारी को चोर और बेईमान बना रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से कहता हूं, व्यापारी साहूकार है, मेहनत करता है, अपने मेहनत से परिवार चलाता है, परिवार में वो जो उसके यहाँ काम करते हैं उससे उसके सैकड़ों परिवार चलते हैं, तो व्यापारी के सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा के नेतृत्व में।
फरकबाद कोतवाली क्षेत्र से दो दिन पहले सुसाइड नोट छोड़कर घर से गायब हुई छात्रा को उसके प्रेमी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर क्षेत्र की मोहल्ला खैराती खान की रहने वाली महिला ने अपनी बेटी के लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस छात्रा की जांच में जुटी हुई थी, तलाश में जुटी हुई थी। और इसी दौरान शहर क्षेत्र के मोहल्ला हनुमानगढ़ी के रहने वाले लोकेश सिंह की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति ने किसी मुस्लिम युवती से निकाह कर लिया है धर्म परिवर्तन कर, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी युवक को हिरासत में लिया, जिसमें आरोपी युवक ने बताया कि छात्रा उससे ट्यूशन पढ़ती थी, जिसके बाद दोनों के संबंध बन गए। उसने छात्रा से शादी कर ली, जिसके बाद दोनों कानपुर चले गए और परिजनों को गुमराह करने के लिए छात्रा ने आत्महत्या का नाटक किया। केवल हमने दोनों ने क्रिएट किया, हाँ, हम दोनों लोगों ने मिलकर क्रिएट किया। तो ये सुसाइड वाली बात कैसे आप लड़की ने लिखी कि हम सुसाइड सौदों के डर से? कुछ लड़के परेशान करते होंगे इसीलिए लिखी होगी। अच्छा, पूरी जानकारी नहीं है। आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है? धर्म परिवर्तन नहीं बोलते उसको। हाँ, तो मतलब आपने जो ये अपना निकाह किया है ये धर्म पर, आप फिर मुस्लिम नाम कैसे रख लिए सफर? सर, नाम रखने से कुछ भी नहीं होता। हाँ, तो कुल मिला के अभी धर्म परिवर्तन नहीं किया? ऐसा भी नहीं कह सकते कि धर्म परिवर्तन, दोनों ही धर्मों को मानते हैं, हिंदुओं को भी मुस्लिम को। गुरु गोविंद सिंह जी के 352वें प्रकाशोत्सव के मौके पर नगर कीर्तन लाटोश रोड से उठकर शहर के कई इलाकों से होता हुआ मोती झील पहुंचा। संत नगर चौराहे पर विधायकों समेत कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने नगर कीर्तन का स्वागत किया, पुष्प वर्षा हुई और पांच प्यारे के चरणों में माथा टेका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। का नमस्कार।